Izaz, thank you so much for coming on the Dastango Editions with Coke Studio. I really appreciate you taking out the time. शुरुआत करते हैं आपकी थोड़ी स्टोरी से. इजाज म्यूजिक के अंदर कैसे आए, कहाँ से शुरुआत हुई, what got you into the realm of classical music? You've worked with different bands, you've had performances, काफी अरसे से आप कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी जो है ना कॉन्टेक्स्ट बताएं. स्टोरी बहुत लंबी है, आई ट्राई टू समराइज इट इन द शॉर्ट टाइम वी हैव. बेसिकली शुरुआत हुई जब मैं 4.5 साल का था. मेरी वालदा ने जो है बेसिकली शी हैज अ वंडरफुल वॉइस एंड आई बिलीव कि जो आवाज का गिफ्ट है ये मेरी वालदा से मुझ में है. एंड पता भी इस तरह से लगा कि बचपन में व्हेनेवर देयर वर म्यूजिकल कमर्शियल्स और सिटकॉम्स ऑन टेलीविजन तो आई यूज्ड टू डांस टू देम. तो अम्मा को समझ में आ गया कि बच्चे के अंदर जो है वो मौसीकी की रूह है और ये इंटरेस्टेड है. तो यू नो एट अ वेरी यंग एज शी मेड मी लिसन टू मैडम नूर जहां एंड देन ऑल दीस पीपल. और उस वक्त जो है वो आपको पता है घरों में मैग्नेटिक टेप्स का सिस्टम होता था. टेप्स हम लगाते थे और उसको सुनते थे और उसके रिकॉर्ड करते थे चीजें. मेरे घर वालों ने सारी टेप्स जो है वो छुपा दी थी कि जहाँ ये बच्चा नजर आता है ना वहां से टेप्स गायब कर दो, क्योंकि मुझे इस शौक था कि जाकर के वो टेप्स पे रिकॉर्डिंग करना. और फिर मैं बताता भी नहीं था रिकॉर्डिंग करके ना, फिर पता लगता था कोई टेप लगाता था ये बच्चे ने यहाँ पे आ गया और रिकॉर्डिंग करके चला गया, हाथ मार दिया. मैंने अपने जुनून में ऐसे बर्बाद की. मुझे सुनने का मौका मिला बहुत से आर्टिस्ट को. तो माय मदर वाज वेरी काइंड एनफ कि शी यूज्ड टू ब्रेक डाउन द सॉन्ग इनटू यू नो लाइक स्मॉल एलिमेंट्स कि इस जगह को ऐसे लो, बार बार कहो. और फिर इस तरह से उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया. देन ऑनवर्ड्स एंड ड्यूरिंग माय जर्नी मुझे ये पता लगा कि वालदा जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ पे पीना सानी जी का बेटा भी पढ़ता है. और वहाँ से फिर मेरी पीना सानी साहिबा से मुलाकात हुई और हमने एक इवेंट भी किया उस दौरान. ये 2006 की बात है जब इंडोनेशिया में सुनामी आया था. तो वी रेज्ड यू नो फंड्स बाय गोइंग एंड परफॉर्मिंग फॉर यू नो द फ्लड विक्टिम्स. और वहाँ से फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा जो है वो गाइड किया ड्यूरिंग जब परफॉर्मेंस से पहले कि बेटा खुल के गाया करो, ऐसे आवाज लगा. तो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट वेरी वेरी प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु हैड बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग सिंगिंग पेयर्स. एंड वॉट कुड बी बेटर कमिंग फ्रॉम अ पर्सन के जिनका तलफ्फुज भी खूबसूरत, जिनकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत. An absolute legend. मेरी बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट. मेरी जिंदगी में मेरे म्यूजिकल करियर में दैट बिकेम द यू नो द स्टेपिंग स्टोन कि मुझे पता लगा कि हाँ इस तरह से आवाज का जो है वो मायार होना चाहिए. देन फॉर माई एजुकेशन आई शिफ्टेड टू लाहौर. मैंने यूनिवर्सिटी अपनी यहाँ पे शुरू करना चाहिए, मैट्रिक और FSC जो है मेरा कराची से था. और फिर यहाँ पे लाहौर शिफ्ट होने के बाद देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ गैप इन माई म्यूजिकल करियर बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू सेटल इन विद एवरीथिंग, योर एजुकेशन एंड एवरीथिंग. और यहाँ पे मुझे एक टीचर का पता लगा, अब्दुल रऊफ साहब जो कि अल्हम्रा में सिखाया करते थे. तो अल्हम्रा का उस वक्त मैंने कल्चर जाके देखा तो इन वन ऑडिटोरियम देवर अराउंड 50-60 स्टूडेंट्स. तो बहुत मुश्किल से बारी आती थी. मैं कहता था कि अगर 1-1.5 घंटे की क्लास है और 50-60 बच्चा क्लास में बैठा हुआ तो आपको क्या टाइम. तो देन आई आस्क्ड हिम कि सर आप कोई प्राइवेट क्लासेस देते हैं, डू यू हैव अ प्राइवेट एकेडमी. और उस वक्त की बात है, ये मैं बिल्कुल फ्रेश तब ग्रेजुएट हुआ था और मुझे याद पड़ता है कि मुझे उस वक्त एक टेलीकॉम फर्म से 12,000 रुपए मिला करते थे महीने के. और उसमें से भी 6,000 जो थी वो मेरे टीचर की फी थी, जो सबसे पहले माँ के हाथ पे रखने से पहले मैं अपने उस्ताद के हाथ पे लाके वो फी रखता था कि सर ये आपकी सबसे पहले फी है. दैट्स द प्रिंसिपल टू लर्निंग कि यू मस्ट हैव फेथ ओवर योर टीचर एंड यू मस्ट नॉट क्वेश्चन कि what are the charges or whatever, because then it goes a long way ahead in life. I've always been you know of this belief that you don't weigh everything in logic, because when you start weighing everything in logic then certain prayers are not answered in the future. ye bahut khoobsurat baat kari aapne. to aage jaake aapki bahut si cheeze qubool hona shuru hoti hain. to unke sath ek safar guzra, rahul sahab ke sath taqreeban 1 saal maine unse seekha classical ki buniyad unhone meri rakhi. aur unke sath phir maine ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ सालाना एक महफिल होती है क्लासिकल की बहुत बड़ी लाहौर में और कराची में,
उनमें लाहौर वाली कॉन्फ्रेंस में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और इसमें क्लासिकल की कैटेगरी में आई स्कोर्ड गोल्ड मेडल फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म, माशाल्लाह और वहां से मेरे सफर का आगाज हुआ. देन इन माय परसूट ऑफ फाइंडिंग एन एडवांस टीचर, ऑफ कोर्स मैंने अपने पहले उस्ताद से इजाजत लेकर के अपना सफर आगे बढ़ाना चाहा. तो इट वाज अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर मी इन पाकिस्तान ट्राइंग टू फाइंड अ गुड टीचर, एंड आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ हर्डल्स, बहुत मुश्किलात पेश आई. और फाइनली फिर मैंने अपने वोकल डेमोज जो है वो इंडिया भेजे. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान में ना सही तो आप अक्रॉस द कंट्री, आप अक्रॉस द बॉर्डर आप ट्राई कर सकते हैं, आप उनको भेजे. तो वहां से मुझे जब ईमेल आई तो आई वाज सो वेरी हैप्पी. मैंने अम्मा को बताया, मैं तलांगे लगा रहा था लोगों की खुशी में कि मुझे उनका जवाब आ गया. बिकॉज पंडित जी, पंडित अजॉय चक्रवर्ती इज ए रियली रियली बिजी फिगर in India still, workshops में और performances में, and her daughter Kaushik भी, she is even more well known. So my journey started from there. I became a part of a reality show and I performed there and I won. And then I went completely incognito. Nobody knew that I existed. So I literally locked myself up in a room for 2.5 years, and nobody knew that I existed. और अगर आप मेरी सारी म्यूजिकल जर्नी को देखें तो आपको 26 साल से पहले मेरी कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी. यानी फॉर 26-27 होल इयर्स आई वाज कंप्लीटली इकॉग्निटो, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं. आई वाज प्रिपेयरिंग माय सेल्फ, प्रयास कर रहा था कि फाइनली जब बाहर आऊँ तो किसी काबिल हूँ तो मैं बाहर आऊँ. तो अपने मैंने उनसे सीखना शुरू किया, पंडित जी से ऑनलाइन मेरी तालीम शुरू हुई और अब उनके डिसाइपल्स से मेरी तालीम चल रही है, अनोल चैटर्जी और ब्रजेश्वर मुखर्जी. इसी प्रोसेस में एक फिजिकल टीचर की नीड मुझे बहुत महसूस हुई, क्योंकि ऑनलाइन एक पॉइंट के बाद आपकी एजुकेशन बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाती है जी और एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है. तो तब मुझे पीटीवी में मेरी मुलाकात उस्ताद फहीम मजहर साहब से हुई, जिन्होंने मुझे सिखाने का बेड़ा उठाया और मैं उनका बाकायदा गंडा बन शागिर्द भी हूँ. तो एक ये पूरी रस्म होती है क्लासिकल मौसीकी में शागिर्दी की, तो वो रस्म में से होके गुजरा उन्हें, उनके साथ उनका उनसे मैंने धागा बनवाया है. और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया. पीटीवी के प्रोग्राम जो ये फिरदौसे गोश्त था, इसके थ्रू बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि इसमें हम राग बनाते थे बैठ करके. तो एक एक राग के अंदर कवाली, गीत, क्लासिकल परफॉर्मेंस, उसकी पूरी हम डिसइंटीग्रेशन, उसको डिसइंटीग्रेट करके रख देते थे खोल के राग के अंदर हो क्या रहा है. तो सुबह सुबह के मतलब 4 बज जाया करते थे बैठे बैठे उनके साथ, और इस पूरे प्रोसेस में एक एपिसोड बनाने में पीटीवी के बहुत लर्निंग होती थी. तो अभी भी उनके साथ इसी तरह का रिश्ता है कि जो बेसिकली मैं इंडिया से सीखता हूँ उसको बड़े प्यार मोहब्बत से रीइंफोर्स करते हैं और बताते हैं, ना कि नहीं बेटा ये मेरा स्टाइल है तो मैं ये सीखना चाहिए. और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव अ पढ़ा लिखा एजुकेटेड टीचर फाइनली इन पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग सर्च. लॉन्ग लॉन्ग सर्च के बाद मेरी दुआ कबूल हुई है यहाँ से. तो अभी फिलहाल पंडित जी, उनके डिसाइपल्स और उस्ताद फहीम मजहर साहब, इनसे मैं सीख रहा हूँ. एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ माय जर्नी. आई ट्राई टू स्क्वीज इट आउट फॉर यू. But it's such a beautiful journey going from, Pakistan में भी, और आप going inside and locking yourself up and then going to India and finding the right teacher and your own evolution. I think that's a beautiful thing. और जो आपने जो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपने डाले थे कि the having belief in the other and not questioning, because sometimes होता है कि it's like the faith of being able to understand that, life has something written for us is an extremely important lesson. जो ज़्यादातर हम पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और we're not able to kind of understand that, the simplicity of that lesson. अगर हम अब जाएं आपकी performances पे, you've worked with Mughal-e Funk, you've worked with Mikal Hassan Band, or you've performed with them. And you've done some contemporary stuff where you have a classical style, and then you've worked with people that are not classical or semi-classical, but that fusion kind of element. तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, how did that kind of affect you, or what were your experiences going from such a इतनी क्लासिकल आपकी जो आपकी अपब्रिंगिंग आप अभी बता रहे हैं आप पंडित जी के साथ अपने उस्तादों के साथ, और फिर मेकिंग अ फ्यूजन एंड क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन with people in Pakistan. I think it's very interesting. I'd be very curious to find out how that experience was for you. I think in order to work in an industry where options are already very, very limited,
And I think it's a very, very difficult time for everybody around the world. So if I, you know, stick to a certain specialty or a forte, I would be limiting the amount of work that I'd be doing. And then again, of course, आप जो क्लासिकल सीखते हैं तो आपकी इतनी रिगरस तरह की ट्रेनिंग होती है और आपकी हर चीज को, हर वोकल एबिलिटी को आपकी परखा जाता है और आपको तैयार किया जाता है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर तरह की खुशबू जो है उसको अपनाएं. अब आप मार्केट में गुलदस्ता खरीदने जाते हैं और गुलदस्ते में सिर्फ गुलाब है और एक दूसरा गुलदस्ता है जिसमें मोतिया भी है, गुलाब भी है, चमेली भी है, सारा कुछ है. यू विल चूज वैरायटी ओवर समथिंग दैट्स यू नो द सेम. तो जहाँ क्लासिकल तरह फोटे है मैं उसको बिल्कुल प्रेफरेंस देता हूँ बाकी सारी फॉर्म्स के ऊपर. लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के म्यूजिक को समझें, दूसरों के म्यूजिक को अप्रिशिएट करें ताकि लोग इन रिटर्न आपके म्यूजिक को अप्रिशिएट करें, उसको सुने. मैं क्लासिकल को बाहर ना लेके आता इन मॉडर्न फॉर्म्स के साथ यूज ना करता तो आज क्लासिकल वहां ना चल रहा होता जहां पे, जिन स्टेजेस पे आजकल नहीं होता. तो आई हैड टू गिव दिस काइंड ऑफ यू नो लाइक सैक्रिफाइस टू कम आउट एंड मेक पीपल लिसन एंड अंडरस्टैंड बाय फ्यूजिंग इट विद अदर काइंड्स ऑफ म्यूजिक. बच्चे जब कोई चीज नहीं खा रहे होते तो हम क्या कहते हैं कि बेटा चलो ये दूध में हम माइलो पिला लेते हैं तो अब तुम पी लो. Making them understand by diluting it a little. कि चलो अगर आपको प्योर फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा सा उस म्यूजिक के साथ मिक्स करके, इलेक्ट्रॉनिक या अपबीट म्यूजिक के साथ, तो क्लासिकल वहां भी चलेगा जहां नहीं चलता. At the end of the day, मकसद प्रोपगेशन. I completely agree, and I think this hits home with Coke Studio as well, which you know Rohail and the Coke Studio team does very well, is bringing worlds together and really bringing stories together and forming something completely new, which just takes you know its own stage. Or phir aap, I mean dekh rahe hain puri duniya mein phail gaya Coke Studio, and everyone you know just jahan pe bhi jaye aap, restaurant mein ho ya kahin bhi bahar ho, and you hear it and right away you start to familiarize and you start to think and all of these stories kind of come up, and it's so beautiful. So I'd be curious to, from the fusions and from this learning, kyunki aapne bhi jo guldaste wali bhi baat kahi, bahut khoobsurat baat kahi hai, what was an unexpected learning jo aapne anticipate nahi kiya tha when you were working with musicians that were not like yourself or that were familiar with music that is not like yours? So, you know, the first time when I performed in a reality show, tab I got to know of a very good drummer, Kami Paul, who has been working with me and Mukle Funk, and, you know, tab us reality show mein maine dekha ki wo musicians ke circle mein baithe hue the, aur main room mein aaya aur us waqt zahir si baat hai itna confidence nahi tha, tab shuru kiya tha, bahut dara hua tha. Dara hua isliye tha kyunki sari umar tabla ke sath gaya tha, drums ke sath gaane ka koi experience nahi tha. कि ड्रम्स के साथ कैसे गाया जाता है. तो जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे एक आवाज आई किसी कोने से, ये तो खान साहब लगते हैं. और नॉर्मली जिन लोगों को खान साहब परसीव किया जाता है, उन जाहिर सी बात है वो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा उनके लिए थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल जरूर बनाता है कि चलो देखें कि खान साहब की खान साहबियत कितनी आजमाई जा सकती है. तो नहीं, बट दे वर वेरी वेरी काइंड. मुझे सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस हुआ गाने का वो मैं यही बता रहा था कि then you know Kami bhai was kind enough, he told me ki dekhi ye jo kick hai ye sum hota hai, yahan pe aapne beat aapki end ho rahi hai. And you know after a literal jamming of 15 to 20 minutes mujhe drum asaan lagne laga. When he was kind enough you know to make me sing with the drums, and my journey with him has you know made me learn so much about western music, and kis tarah se jo cheeze mujhe actually nahi pata thi classical mein hone ki wajah se wo mujhe pata lagi. Basic baat, sabse zaruri baat ye pata lagi कि मुझमें टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक जो है वो डेवलप हुई. एट वन पॉइंट इन टाइम आई वुड से व्हेन आई वाज जस्ट अ प्योर क्लासिकल म्यूजिशियन, आई डोंट नो इफ आई हैड दैट मच ऑफ टॉलरेंस. एंड इफ समबडी केम टू मी एंड सेड डू यू लिसन टू बैकस्ट्रीट बॉयज, एंड आई वुड हैव रिप्लाइड नो आई डोंट लिसन टू बैकस्ट्रीट बॉयज, ही वुड हैव सेड ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्लासिकल म्यूजिक देन. एंड यू जस्ट द बेसिक पर्पस ऑफ फ्यूजन देन अगेन इज for these musicians to come and accept what you are doing
एंड इफ यू एक्सेप्ट व्हाट दे आर डूइंग तो देन अच्छा है, थोड़ा आप उनके साथ बजाएंगे, थोड़ा वो आपके साथ बजाएंगे, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ वो आपसे सीखेंगे. एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग जब वेस्टर्न और ईस्टर्न मर्ज होते हैं आपस में, तो दोनों के लिए बहुत सी चीजें जो है ग्राउंड्स ओपन होते हैं सीखने के मामले में. It's so beautifully said, the way you've put this. I think it's, again, it's a very important lesson, and it's a beautiful thing to understand this coming together. Izaz, let's get into Coke Studio. Talk to me about the experience of performing Meg, of Coke Studio season 2020. How did it all come together? How was the experience of recording it? Kaisi rahi aapki? So it was absolutely wonderful. I would say, I would you know, be brave enough to say that I was so very excited about the fact that मुझे एक दिन मुझे बहुत यकीन था इस चीज के ऊपर कि एक दिन मेरी रोहेल भाई से बात होगी. So I actually took out his number from another person's mobile and I already saved it, but I didn't have the courage to actually text him ke Rohil bhai, this is me, because I wanted to wait for the right time when he would actually contact me. So I was in Karachi for a fellow musician's marriage ceremony, Jimmy Khan. He was getting married, and wahan pe main aaya, and I was sitting in a studio in Karachi for recording another song of mine, or my phone rings aur us pe Rohil bhai ki call aa rahi. And I was like literally taken aback. मैंने कहा आपका कोई और रूम है मैं जहाँ जाके बात कर सकता हूँ. मैंने कहा आप स्टूडियो में चले जाए वहाँ जाके बात करने. मैंने कहा कोई माइक शाइक तो नहीं आपने ऑन किया था. मैं वहाँ पे गया, मैंने बात की. सो वेरी वेरी सटल, आप इतने बड़े बंदे की आपको कॉल आए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं वो क्या आपसे बात करेंगे और आप रिस्पॉन्स में क्या कहेंगे. लेकिन ही वॉज सो वेरी काइंड कि एजाज मैं रोहेल बात कर रहा हूँ, आपसे बात हो सकती है, वक्त मुनासिब है. दिल में था, मैंने कहा सर आपके लिए तो हर वक्त मुनासिब है. फिर उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप आइए, आप जब तक कराची हैं तो यू आर द फर्स्ट आर्टिस्ट वी आर रिकॉर्डिंग फॉर द सीजन, तो आप आइए और कुछ आइडियाज हमारे साथ शेयर कीजिए. तब डेमोज मैंने दिए तो खाली जा, एक आपकी एक घंटे की मीटिंग होगी. But that one-hour meeting, just changed into a 3-4-hour long recording, because 3-4 raag maine gaya, unko har cheez itni pasand aayi, gayi bhi unhone kaha mukhtalif taals mein, mukhtalif tempos mein unhone mujhe record kiya meri cheezon ko. And then uske baad we had tea together and with snacks, so sara unhone phir discussion ki ki aap bataye apni musical journey ke bare mein. And then he also was kind enough to share his vision about the program and everything. And then the pandemic came and we were unsure ke coke ho bhi raha hai ke nahi ho raha, but then I got the news ke ha finally ho raha hai. To phir ye pata laga ke this raag Megh was finalized, aur isme jo hai mujhe kaha gaya ke aapne kuch perform karna hai, aap jo hai wo kuch record kare. To kuch ideas to maine pehle record karwa chuka tha, और कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो फिर पोस्ट कोविड टाइम के बाद उसके अंदर हुई. और मेन गाने के लिए मैं बहुत तैयार था. उसकी वजह ये थी कि जो उनका एनवायरनमेंट है स्टूडियो का, वो मेन को बहुत is very very close to nature, to animals, to plants, everything. So niche jo unka jo studio hai usme puri jo agar aap bahar ka wo dekhe manzar dekhe to paude, green lush plants aur mor aur parinde, aur it just justified that raag ki main usko gaun. Although Karachi mein itni barishein ho chuki thi to mujhe apne sar ki bhi fikr thi ki maine kaha bhai pehli barish ho gayi, upar se log bhi jootiyan barsani shuru kar dene ki ye aur barish ke raag ga ga ke aa rahe hain.
So Rag Megh is for rain. It's for rain. It brings rain. And Rag Megh gives rain of clouds coming as you envision them from a very beautiful landscape which is pahad hai. हरे हरे पहाड़ हैं उनके ऊपर काले बादल आ रहे हैं और जब वो बारिश होती है तो क्या मंजर होता है तो उसके सुर भी ऐसे ही इट हैज अ वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फील टू इट सो मेघ इज वन ऑफ दोस रागस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन अब इट डजंट मीन कि राग गाएंगे तो बारिश होगी दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव कि जी राग गाए और बारिश होगी बारिश दिल में होती है एहसास दिल में होता है इसी तरह अगर कोई राग है जो आग लगाता है तो आग दिल में लगती है ये काम खुदा के होते हैं कि जी बारिश हो जाएगी आग लग जाएगी बट ये कि विद योर सिंगिंग यू कैन मेल्ट समबडीज हार्ट यू कैन कॉज रेन इनसाइड ऑफ अ पर्सन तो मेघ के ऐसे ही तासुरात होते हैं तो मेघ जो है ये राग चुना गया एंड मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा लेकिन बस इतना कहूंगा कि कोक स्टूडियो में पहली दफा क्लासिकल को इस तरह से एक्सप्लोर किया गया है पहले भी क्लासिकल होता रहा लेकिन दिस टाइम इट्स वेरी वेरी डिफरेंट You will find it more organically close to the essence of real classical music. Bahut khoobsurat. It's such a beautiful concept, and the way that you've described it is I'm just excited. I'm really excited for everyone to kind of hear Megh and get to experience it. Lekin, I'd love to ask you a little bit first about. The Swarmandal. Yeah. Sorry, it's just very difficult for me to say. If you could define what it is, it's also an instrument that you use in Megh, and if you could play a little piece of Megh for us. So, this instrument is basically of a German origin, and this is also called an auto harp. Because it was a mini harp. And the design and structure of a surmandal isn't constant. Matlab it varies. The amount of strings can vary according to the size of the surmandal. Okay. Now, my surmandal has 25 strings in it. And every string is tuned according to one note in a rag that you are going to play on it. So for example, right now I have tuned it to the major scale. Every string is tuned to a specific note. For example, this is tuned to the major scale or bilaval. See, that's what you call classical music. Aap major scale ko bilaval kehte hain. Bilaval. So, Surmandal has these metallic frets, as you can see them over here on the top. They are tuned using this key. So you fit the key in the metallic fret and you move it either anti-clockwise or clockwise. And the tension in the string is either increased or decreased, changing the sur. So that's how you tune it using your ear to a different rag. So for one session, a surmandal can be tuned to one rag. You can't right. tune it to multiple rags. Yeah. So that's how I use it. When I sung Megh, it was tuned to Megh. So it's very specific. Yeah. Very nice. If you could, I'd love to hear Megh. If you could perform it. A little piece of it. Yeah, Abhi, right now it's tuned to a major scale, so I can sing something in the major scale. For That's fine. Yeah. So I just quickly put... my tanpura on if I can ताकि आपको सुनने का दर्ता सुरक्षा है okay so this is it So I'm going to sing a thumri in the major scale.
Most of you have heard it already. It's actually been sung by Ustad Mere Ghulam Ali Khan Sahib. The name of the tune is Yaad Bhi Aati Hai. Yaad Bhi Aati Hai. Yaad Bhi Aati Hai. ये दुख सहना जाए याद पिया की आए है याद पिया की आए बाली उमरिया बाली उमरिया सुनरी सजरिया बाली उमरिया सुनरी सजरिया जो बन बीत जाए याद याद पियाती याद पियाती याद पियाती बहुत खूबसूरत बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया आपका बहुत इजाज Thank you so much for telling us about this and singing this beautiful, beautiful song. Aapse aakhri sawal before, you know, we leave you, would be ke apni Pakistan ki koi bachpan ki yaadein, koi some cherished memories that you have that, you know, bring you back, that you keep very close to you. Kaun si wo yaadein hoti hain aapki? I would say that would be the golden era of music jab main when I used to be very very young and kabhi kabhi mujhe aisa lagta hai ki thoda sa late musical world mein maine kadam rakha thoda sa pehle paida ho jana chahiye tha to shayad wo dekhte the jo music ka golden time tha jab is classical musiki ko corporates jo hain wo fund kiya karte the aur isko support karte the iski zyada support thi तब उस वक्त में पैदा होते और बचपन की यादों की अगर आप बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मैडम नूरजहां के जब फिल्मी गाने सुनते उनकी कॉम्पोजिशन सुनते तो बहुत ही अच्छा लगता मेहदी हसन खान साहब की गजलें सुनने को मिलती है for taking all the time with me. I'm not sure if that's going to be a good one.